फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट है, क्योंकि इसमें छोटा सा बच्चा भी है, ज़ाओयान। इनफैक्ट इसमें हमारा मेन लीड एक सिंगल डैड है और सीओ भी, पर उसका बच्चा इतना शैतान है कि कोई उसे हैंडल ही नहीं कर पाता, इसलिए वो फीमेल लीड को हायर करता है, वो भी ज़ाओयान की मम्मी बना के। तो क्या उनकी फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल मैरिज में बदल पाएगी, ये जानने के लिए पढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। लड़का आकर उसे किस करने लग जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। उन दोनों को वन नाइट स्टैंड हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की हमारी फीमेल लीड मानी है। उसकी मॉम की सर्जरी के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। और जियांग ने उसे इसलिए हायर किया था क्योंकि मानी वर्जिन है और उसे वार्निंग दे देती है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। वो उसे क्रेडिट कार्ड दे के दफा करती है। मानी जैसे ही हॉस्पिटल जाती है उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई, तो वो रोने लगी थी। फिर कुछ टाइम बाद मानी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर ये बात जियांग को पता चल जाती है और कहती है वो मानी प्रेग्नेंट हो गई, वो भी मिस्टर मुयान के बच्चे से। कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे का यूज करके मिस्टर मुयान की वाइफ बनूंगी। फिर जब मानी की डिलीवरी हो रही थी तो एक बच्चे का जन्म होता है, पर वो बेहोश हो गई थी। बट जियांग के गुंडे उस बच्चे को वहाँ से ले जाते हैं और जियांग मिस्टर मुयान के सामने नाटक करने लगती है कि देखो ये हमारा बच्चा है। मानी को जब होश आता है तो वो अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी, पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। डॉक्टर कहता है बोला ना मैं मर गया, तो वो बेचारी रोने लग जाती है कि वो अपने बच्चे तक को नहीं बचा सकी। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं मानी फौरन से वापस आ गई थी और अब वो एक टॉप डिजाइनर बन गई थी। तभी चलते चलते वो किसी से टकरा के गिरने वाली थी, बट मिस्टर मुयान उसे पकड़ लेता है। वो सोचती है ये कौन है, कितना हैंडसम है, और मिस्टर मुयान को भी लगता है जैसे वो उसे पहले भी मिल चुका है। पर जैसे असिस्टेंट आता है दोनों एकदम दूर हो जाते हैं, तो मानी वहां से भाग जाती है। फिर वो अपने घर में आके रेस्ट करने लगी थी, बट तभी उसे अंदर से आवाजें आती है तो वो डर जाती है। पर वहां पे एक छोटा सा बच्चा निकलता है, तो वो पूछती है बताओ तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। बच्चा कहता है एक बुरी लेडी मेरे पीछे पड़ी है, मैं नहीं चाहता वो मुझे पकड़े, इसलिए मैं यहाँ के छुप गया। वो कहती है डरो मत, मैं तुम्हें उस बुरी लड़की से बचाऊंगी। तभी कोई गेट बजाता है तो पूछती है कौन है। गेट के बाहर जियांग थी और कहती है क्या तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है। मानी कहती है नहीं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। तो जियांग चली जाती है और बातें कर रही थी, पता नहीं वो शैतान कहाँ चला गया। मानी कहती है अपने घर का नंबर बताओ, मैं उन्हें फोन करती हूँ। तो वो बच्चा अपने डैड मिस्टर मुयान का नंबर बता देता है। मानी कॉल करती है कि तुम्हारा छोटा बच्चा यहाँ गया, प्लीज तुम आके उसे ले जाओ। बट मिस्टर मुयान गुस्से से घर आता है और सबको डांटता है, तो सब मेड उसके आगे छुप जाती हैं। वो कहता है तुम इतने सारे लोग होकर भी मेरे बेटे का ध्यान नहीं रख पाए। जियांग कहती है तुम परेशान मत हो, ये पहली बार नहीं कि ज़ाओयान घर से भागा है, वो तो ऐसा करते ही रहता है। बट मिस्टर मुयान उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर मानी ज़ाओयान को खाना बना के देती है, तो वो कहता है वाओ तुम तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हो आंटी, बिल्कुल मुझे मॉमी की याद दिला रही हो। वो कहती है तुम बहुत क्यूट हो, पर ऐसा अपनी मॉमी के सामने मत कहना, उन्हें बुरा लगेगा। ज़ाओयान कहता है वो मेरी मॉमी नहीं है, वो बुरी लड़की है, और खाने लग जाता है। फिर वो सो गया था तो वो उसे सुनाने लग जाती है। ज़ाओयान बड़बड़ा रहा था आई मिस यू मॉमी। मानी सोचती है अगर मेरा बच्चा भी जिंदा होता तो वो शायद इतना ही बड़ा होता। तभी वहाँ मिस्टर मुयान आता है, पर ज़ाओयान को सोते देख हैरान था क्योंकि ज़ाओयान को कभी नींद नहीं आती, तो वो किसी स्ट्रेंजर के घर पे कितने आराम से सो रहा है। पर दोनों एक दूसरे को देख हैरान थे कि तुम यहाँ। मिस्टर मुयान उसका ज़ाओयान का ध्यान रखने के लिए थैंक यू करता है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, बच्चों को वैसे भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तुम्हें बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे कहीं ना भाग जाए। मिस्टर मुयान को अजीब लग रहा था क्योंकि जो उसकी माँ है जियांग, उसे तो ज़ाओयान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर इस लड़की को इतनी फिक्र है। फिर वो उसे बाय करके चला जाता है। इधर असिस्टेंट मिस्टर मुयान को आकर बताता है कि
फौरन से एक डिजाइनर आई है। मानी मिस्टर मुयन देखता है ये तो वही लड़की है, इसलिए वो उसका इंटरव्यू खुद लेने की डिसाइड करता है। इधर मानी भी इंटरव्यू देने आती है, वहीं पे चियांग जावियन को लेके आ रही थी और उसे डांट रही थी कि तू कल कहाँ भाग गया था, तेरी वजह से तेरे डैड से मुझे सुनना पड़ा। पर जावियन उसकी बिल्कुल भी सुनी नहीं रहा था और हाथ छुड़ा के भाग जाता है। इनफैक्ट उसने मानी को जाते हुए देख लिया था और उसे जाकर हक कर लेता है, पर चियांग उन दोनों को देख हैरान थी और सोचती है ये मानी यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि ये इसका बेटा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है। मुझे इस मानी को मिस्टर मुयान से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर मिस्टर मुयान को पता चल गया कि ये इस बच्चे की रियल माँ है तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा, मेरी 5 सालों की मेहनत बर्बाद। और जाने लगी थी तभी उसे मैनेजर मिल जाता है, तो मैनेजर बताता है कि वो मानी का इंटरव्यू लेने आया है। पर वो उसे कहती है कुछ भी हो जाए तुम इसे जॉब पे नहीं रखोगे और इसे फेल कर दोगे। मिस्टर मुयान और उसका असिस्टेंट सीसीटीवी से देख रहे थे कि जावियन को मानी में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि वो पहले तो कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता था। इधर मानी उसे कहती है जावियन अगर तुम ऐसे भागते फिरोगे तो तुम्हारे डैड को तुम्हारी कितनी परवाह होगी, अपने डैड के पास चले जाओ, मुझे भी जरूरी काम है। तो वो उसकी बात मानकर चला जाता है। मैनेजर मानी के डिजाइन चेक करता है पर उसे मना कर देता है इंटरव्यू के लिए। वो हैरान थे कि तुमने मुझे मना क्यों किया, रीजन तो बताओ। मैनेजर कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं आई, ये रीजन काफी है तो निकलो यहाँ से। मानी भी उसे सुना देती है कि तुम जैसे लोगों को टैलेंट की परवाह नहीं है और हार्डवर्क की इज्जत नहीं करते, तो मुझे भी इस कंपनी में नहीं रहना। और जाने लगी थी तभी वहां पर मिस्टर मुयान आ जाता है और मैनेजर को डांटता है कि तुम इसे फेल कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है ये फॉरेन की नंबर 1 बेस्ट डिजाइनर है। तो मैनेजर के होश ही उड़ गए थे। इधर जावियन मिस्टर मुयान के ऑफिस में खेल रहा था, बट किसी के आने की आवाज सुन उसके टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी वहां जियांग आती है और कहती है मिस्टर मुयान तुम 5 सालों से मुझसे बचते रहे पर अब नहीं, और उसके पानी में नशा मिला देती है। पर जावियन ने सब कुछ देख लिया था और फिर उसके जाने के बाद वो सोचता है अब मैं क्या करूं, पर फिर उसे एक आइडिया आता है। इधर मैनेजर उनसे माफी मांगने लगा था तो मिस्टर मुयान कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, माने तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है इसलिए मैं उसे तुमसे भी ऊंची पोस्ट देता हूँ, वो अब तुम्हारी भी बॉस होगी, यहाँ की डायरेक्टर। माने क्या तुम्हें ये पसंद आया, वो कहती है तुमने जो भी किया सही किया, मैं बस चाहती हूँ कि सच जीते। जब वो बाहर जाने लगी थी तभी जावियन उसके पास भाग के आता है तो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने डैड के पास ले जाओ, है तुम्हारे डैड मेरी हेल्प करने आए थे। जावियन कहता है प्लीज मेरे साथ चलो आंटी, प्लीज मेरे साथ चलो, डैडी को पता नहीं क्या हो गया, और उसे खींच के ले जाता है। वो कहती है बताओ सोसी क्या हुआ, तो कहता है मेरे डैडी को कुछ हो गया है, जाकर उन्हें बचा लो। तो वो उसे बचाने जाती है अंदर, बट उसके अंदर जाते ही जावियन गेट लॉक कर देता है। वो गेट खोलने की कोशिश करने लगी थी इतने में मिस्टर मुयान आ जाता है जो नशे में था और उसे किस करने लग गया था। वो उसे दूर कर कहती है मिस्टर मुयान तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बट वो तो नशे में था और गिरने वाला था, तो वो उसे पकड़ लेती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसे बैठाने की कोशिश कर रही थी बट वो कहता है तुम्हारी खुशबू जानी पहचानी लग रही है। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो, लगता तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, बट वो उसे सोफे पे गिरा लेता है। इतने में जियांग पूछती है मिस्टर मुयान क्या तुम अंदर हो, तो मानी उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है तुम चुप रहना। जियांग बार बार मिस्टर मुयान को बुलाया जा रही थी तो मानी उसके मुंह पर पानी फेंक देती है ताकि उसे होश आ जाए। मिस्टर मुयान की आवाज नहीं आ रही थी इसलिए जियांग को कुछ गड़बड़ लगती है और वो असिस्टेंट से वहां की चाबी लाने को कहती है। माने सोचती है अगर किसी ने देख लिया हमें तो मैं सबको क्या बताऊंगी। इतने में ही असिस्टेंट चाबी ले आया था तो जियांग खोलकर अंदर आ जाती है, पर वो मिस्टर मुयान को देख लेती है और पूछती है ये लड़की कौन है। इनफैक्ट वो उसका फेस नहीं देख पा रही थी क्योंकि मिस्टर मुयान ने माने को छुपा लिया था। माने सोचती है इस लड़की की आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, कौन है ये। मिस्टर मुयान कहता है तुम दोनों भी कभी बाहर निकलो, असिस्टेंट इसे बाहर लेके जाओ। तो असिस्टेंट उसे बाहर कर देता है, उनके जाते ही वो मानी से दूर हट जाता है। वो दोनों भी शांति से बैठे भी नहीं थे, वहां असिस्टेंट आ गया था और उन दोनों को देख हैरान और कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा और भाग गया था। मानी ने उसे पकड़ रखा था तो छोड़ के कहती है सॉरी सॉरी। मिस्टर मुयान अपनी पॉकेट में से निकाल के एक दवाई खाता है और बताता है कि 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ था, तब से मैं एंटीडोट हमेशा अपनी पॉकेट में रखता हूँ।
पर मानी, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? वो कहती है, नहीं तो मैंने तो तुम्हें पहली बार ही देखा है। वो सोचता है, पता नहीं मुझे ऐसा भी लगता है जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। और कहता है, सावियन तुम्हें बहुत पसंद करता है, वरना तो वो किसी से इतनी बात नहीं करता। वो कहती है, तुम्हें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम काम में बिजी रहते हो ना, इस वजह से उसे समझ नहीं पाए। पर फिर वो सॉरी बोलता है क्योंकि जाओयन ने उसे अंदर भेजा था। मानी की शर्ट का बटन टूट गया था तो मिस्टर मुयन असिस्टेंट को फोन करता है कि उसके लिए दूसरे कपड़े ले आना। मानी वो दूसरे कपड़े पहन के आती है तो असिस्टेंट और मिस्टर मुयन उसे देखते रह गए थे। मिस्टर मुयन जल्दी से उसके करीब आता है और अपना कोट निकाल के उसे उड़ा देता है और कहता है, तुम काम करोगी ना, तो मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें ऐसे देखे। असिस्टेंट, मानी को उसके घर छोड़ाओ, अगर ऐसा एक्सीडेंट कभी दोबारा हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। वो छोड़ने चलने लगा था तो मानी कहती है, मैं तुम्हारे कपड़े धो के तुम्हें वापस कर दूंगी। इधर चियांग गुस्से में खड़ी थी क्योंकि उसे पता लगाना था कि वो लड़की कौन है, और वो उन्हें पीछे से जाते देख लेती है। इधर मानी नहा रही थी पर तब भी वो मिस्टर मुयन के बारे में सोच रही थी तो कहती है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, उसका ऑलरेडी एक बच्चा है। फिर उसका ब्लेजर धो देती है। इधर मिस्टर मुयन जावियन को उठा के लेके आता है और उसे नहलाकर उसके मुंह साफ करने लगा था, पर वो अभी भी मानी के बारे में सोच रहा था। जावियन कहता है, डैडी आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या आप पागल हो गए? वो कहता है, तुम अपने डैडी को ऐसा कैसे बोल सकते हो, और उसकी गुदगुदी करने लगा था तो जावियन को बहुत बहुत हंसी आ रही थी। फिर वो उसे सुलाने लग जाता है और पूछता है, तुम्हें मानी इतनी पसंद क्यों है? जावियन कहता है, क्योंकि उनमें से बिल्कुल मॉमी जैसी खुशबू आती है। डैडी मुझे अपनी मॉमी बदलनी है। ओके, और सो गया था। मिस्टर मुयन तब तो इस बात पे ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उसे बच्चा समझ रहा था, बट फिर उसे बार बार मानी के सपने आ रहे थे इसलिए वो सो भी नहीं पा रहा था, तो वो नहाने चला जाता है। मेड खाना बना रही थी बट मिस्टर मुयन अगर कहता है, आज मैं सावयन के लिए खाना बनाऊंगा, मैं उसके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ ना। फिर वो बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाता है। जियांग गुस्से से आ रही थी बट मिस्टर मुयन को देख जावियन के साथ अच्छा बिहेव करने लगती है, और फिर उसे कहती है, जावियन अभी काफी बड़ा हो गया है तो उसके मम्मी डैडी होने के नाते अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर मुयन कहता है, तुम जावियन का सहारा लेना छोड़ दो, जब मर्जी उसे बहाना बनाती रहती हो, क्या सच में जावियन तुम्हारा ही बेटा है? वो सोचती है कहीं से शक तो नहीं हो रहा, और कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं जावियन से प्रेग्नेंट थी तो वो मेरा बच्चा होगा ना। मिस्टर मुयन कहता है, तुम मत भूलना कि तुम उसके रियल मॉम हो, और गुस्से से उठ के चला जाता है। जियांग पूछती है, जावियन सच से बताना, क्या तुमने अपने डैड के सामने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा? मैं तुझसे बात कर रही हूँ वे, गवार कहीं की मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, तू मरना चाहता है? मुझे लगता है तूने उस लड़की को मिस्टर मुयन के ऑफिस में घुसाया होगा, आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। और उसे पकड़ के रूम में धक्का मार देती है। अब तो भूखा पैसा पूरा दिन इसमें बंद रहेगा, और गेट बंद कर जाती है। वो बेचारा गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, मेड वहीं खड़ी थी तो जियांग कहती है, तुम्हें पता है ना किसी को भी इस बारे में पता नहीं रखना चाहिए, और उसे क्रेडिट कार्ड दे के उसकी बोलती बंद कर देती है। जावियन कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे उस ब्यूटीफुल आंटी का खाना खाना है। पहले तो वो वहाँ खेलने लग गया था पर फिर कहता है, अब मैं उस ब्यूटीफुल आंटी के पास जा रहा हूँ, और विंडो से कूद के भाग जाता है। इधर मानी खाना बना के खाने जा रही थी तभी वहाँ जावियन आ जाता है तो कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना गंदा हो रहा है, और उसे साफ करने लग जाती है। जावियन बहुत स्पीड से खाना खा रहा था तो कहती है, धीरे धीरे खाओ, क्या तुम्हारे डैड ने आज तुम्हें खाना नहीं खिलाया? वो कहता है, वो बुरी लड़की मुझे बुली कर रही थी। मानी कहती है, क्या वो बुरी लड़की तुम्हारे घर पे रहती है, तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है इस बारे में? जावियन कहता है, वो मेरी मम्मी नहीं है। मानी सोचती है, अच्छा तो इसके सिर्फ डैडी है, इसकी मम्मी नहीं है, और कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे पास आ जाया करो। इधर जियांग अगर देखती है वो भाग गया है तो मेड को डांटने लग जाती है कि तुझसे एक छोटा सा बच्चा नहीं संभला, और उसे ढूंढने भेजती है। फिर घर के सारे नौकर और मेड उस बच्चे को ढूंढ रहे थे कि लिटिल मास्टर कहाँ चले गए। उनके घर के पास एक घर था। जियांग पूछती है, ये घर किसका है? तो मेड बताती है कि इसमें अभी अभी एक नई लड़की रहने आई है, हमने उसे कभी देखा तो नहीं है पर वो यहीं रहती है। तो जियांग गेट खटखटा के पूछती है, क्या यहाँ पे कोई बच्चा आया है? अंदर से मानी बोलती है, नहीं यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। पर इस पर जियांग को शक हो रहा था। अंदर मानी और जावियन गेम खेल रहे थे। मानी कहती है, जावियन तुम हार गए, अब तुम्हें बुक पढ़नी होगी। जियांग फोन करके पूछती है तब उसे पता चलता है कि इस घर में कोई और नहीं, मानी रहती है। तो कहती है, कुछ भी हो जाए
मैं मिस्टर मोयन को तेरे प्यार में कभी नहीं पड़ने दूंगी। जाओयन उसे पूछता है, आंटी क्या तुम मेरी मम्मी बनोगी? वो कहती है, बेटा मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती। भले ही तुम्हारी मम्मी यहाँ पे नहीं है पर उसे बहुत बुरा लगेगा। जाओयन कहता है, तुम भी मुझे लाइक नहीं करती हो ना? और उसे धक्का मार के गुस्से से भाग जाता है। इतने में मिस्टर मुयन आ गया था तो वो पूछती है, जाओयन को क्या हो गया? वो कहता है, कोई बात नहीं, वो ऐसे रेड करता रहता है। वैसे उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मैनी कहती है, पर मुझे लगता है तुम्हें अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें पता भी है एक बुरी लड़की उसे हमेशा बुली करती है, उसे खाने पीने को भी नहीं देती। वो बच्चा है वो बताता नहीं है, पर तुम तो उसके डैड हो ना, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। वो कहता है, सॉरी पर मैं आगे से अच्छे ध्यान रखूंगा, और चला जाता है। फिर वो जावयन के पीछे भागता है, पर जावयन ने अंदर से भाग के जा गेट लॉक कर लिया था। मिस्टर मुयन उसे गेट खोलने को बोल रहा था, पर जावयन कहता है, तुम सब बुरे लोग हो, मैं तुम सबको हेट करता हूँ। तो मिस्टर मुयन उसके रूम की चाबी मंगाता है और फिर गेट खोल के उसके साथ आके बैठ जाता है। फिर मिस्टर मुयन उसे बात करने की कोशिश करने लगा था। पहले तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं बोलता और गुस्से में था, पर फिर कहता है, मैंने कितनी बार बोला वो बुरी लड़की मेरी मॉमी नहीं है, मुझे उस मानी आंटी को अपनी मॉमी बनाना है, मुझे वही पसंद है, पर अब वो भी मुझे लाइक नहीं करती, वो मेरी मॉमी नहीं बनना चाहती। मिस्टर मुयन कहता है, क्या तुम्हें मानी इतनी पसंद है? जावियन हाँ करता है। इधर मानी ऐसे डायरेक्टर कंपनी में काम करने लगी थी, तभी सेक्रेटरी आकर लिंग नाम की लड़की को बुलाने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में बुलाया है। तो लिंग डरती हुई उसके ऑफिस में चली जाती है, पर सब गर्ल्स बातें बना रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट तो सब लड़कियों के साथ बुरा बिहेव करता है, और बेचारी लिंग की मम्मी बीमार थी इसलिए उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। मानी को पता था कि 5 साल पहले उसके साथ भी ऐसा हुआ था, पर वो नहीं चाहती लिंग के साथ भी ऐसा हो, इसलिए वो उसे बचाने चाहती है। इधर वाइस प्रेसिडेंट लिंग के साथ बदतमीजी कर रहा था और कहता है, तुझे अपनी माँ को बचाना है तो वैसा कर जैसा मैं कह रहा हूँ। लिंग बेचारी चुप थी तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। तभी मानी उनके ऑफिस में घुस आती है, तो वाइस प्रेसिडेंट लिंग को छोड़ के मानी को देखने लगा था और कहता है, मुझे नहीं पता था कंपनी में एक नई लड़की आई है, तुम कौन हो? तो बताने लगती है कि मैं डायरेक्टर हूँ, और लिंग को जाने का इशारा करती है तो लिंग भाग जाती है। मानी कहती है, वाइस प्रेसिडेंट आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं। वो उसे टच करने लगा था बट वो जल्दी से डॉक्यूमेंट लेके चली जाती है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, ये तो उस लिंग से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अब की बार इसकी बारी होगी। तभी उसे जियांग का फोन आता है। जावियन जा रहा था पर मानी को देख जानबूझ के मुड़ के जाने लगता है दूसरी तरफ को, तो वो भाग के कहती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? ओके तो मैं जा रही हूँ। जावियन कहता है, रुको आंटी, क्या तुम मेरी मॉमी बनोगी? वो पूछती है, पर तुम मुझे अपनी मॉमी क्यों बनाना चाहते हो? जावियन कहता है, क्योंकि बाकी सब बच्चों की मॉमी है, वो मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरी मॉमी नहीं है, कोई मुझे लाइक नहीं करता। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतने काइंड और अच्छे हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर मुयन उनकी बातें सुन रहा था और कहता है, मानी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो उसके ऑफिस में जाती है। मिस्टर मुयन उसे कॉन्ट्रैक्ट देख के कहता है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। वो कहती है, क्या 1 मिलियन पर मंथ? वो कहता है, अगर तुम्हें कम लगे तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। जावयन तुम्हें बहुत लाइक करता है, वो बस चाहता है तुम उसकी मॉम बन जाओ। जावयन उन्हें छुप छुप के देख रहा था। मिस्टर मुयन कहता है, तुम सही बोल रही थी, मैं जावयन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, सिर्फ तुम ही उसका अच्छे से ध्यान रख सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें जावयन की मॉमी की जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ, तुम्हें बस उसके साथ रहना है। वो जावयन को देख सोचती है, ओके मैं इस बारे में सोचूंगी। मिस्टर मुयन कहता है, सच कहूँ तो जावयन शुरू से ही बहुत अच्छा लड़का है, पर सब लोग उसे इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि जावयन मेरा बेटा है, एक सीईओ का बेटा, पर तुम डिफरेंट हो क्योंकि तुम उसे ऐसे सीईओ के बेटे की तरह लाइक नहीं करती, तुम उसे ऐसे बच्चे की तरह लाइक करती हो और उसकी केयर करती हो। मैंने इमोशनल हो गई थी और कहती है, ओके मैं जावयन की मॉम बनने के लिए रेडी हूँ, पर हाँ याद रखना मैं सिर्फ उसकी मॉम बनूंगी, और कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। वो कहता है, टेंशन मत लो, ये सिर्फ मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सीक्रेट है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो वो साइन कर देती है। तभी जावयन भाग के कहता है, आंटी अब तुम मेरे डैड की वाइफ हो ना, तो अब तो मैं तुम्हें मम्मी बोल सकता हूँ। वो सोचती है, कॉन्ट्रैक्ट में तो वाइफ के बारे में नहीं लिखा था, पर फिर कहती है, हाँ हाँ तुम मुझे मम्मी बोल सकते हो। जावयन कहता है, ये मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी भी मम्मी है। वो कहती है, ओके अब मम्मी को काम पे जाना है, तुम अपने डैड की बात मानना, ओके? वो कहता है, हाँ हाँ मैं सारी बातें मानूंगा। मिस्टर मुयन कहता है, तुम मेरे नंबर सेव कर लो ताकि फ्यूचर में कोई बात करनी हो तो कॉन्टेक्ट कर सके,
और हाँ, रात में मेरा वेट करना, हम साथ में घर चलेंगे। तो मानी नर्वस होकर भाग जाती है और जावयन मिस्टर मोहन को हक कर लेता है। पर वो जाते सोच रही थी, ये मैंने क्या किया? क्या मैं खुद को बेच के आ गई? नहीं, मैं तो बस जावयन की मोमी बनी हूँ। इधर जियांग वाइस प्रेसिडेंट से कहती है कि तुम जैसे तैसे करके उस मानी को यहाँ से भगा दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा दूंगी। तो वो भी मान जाता है क्योंकि वो तो वैसे भी मैनी के पीछे पड़ा है। इधर लिंग मानी का थैंक यू करती है और कहती है, अगर तुम टाइम पे ना आती तो पता नहीं क्या होता। मानी कहती है, कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स है ना, पर एक बात बताओ, वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, पर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वो कहती है, क्योंकि ये सब यही कहते हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बुली भी करे तो हमें सहना होगा, क्योंकि हम इम्प्लॉयज हैं। मेरी मॉम बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे करना पड़ा। तभी वाइस प्रेसिडेंट आकर कहता है, मैंने तुम्हें मेरे साथ काम पे चलना होगा, एक मीटिंग है। मानी मना करने लगी थी बट वो उसे चलने को बोल के चला जाता है। लिंग उसकी चिंता करने लगी थी कि कहीं वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ कुछ ना करते। वो कहती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, वैसे भी मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लिंग कहती है, ओके, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं पुलिस को ले आऊंगी वहां पे। फिर वाइस प्रेसिडेंट उसे मीटिंग में ले आया था और जानबूझ के किसी ना किसी बहाने से मानी को ड्रिंक करने को बोले जा रहा था। बहुत बड़ी डील थी इसलिए मानी नहीं चाहती थी कि डील कैंसिल हो, इसलिए वो भी ड्रिंक कर रही थी, पर वो टल्ली हो जाती है। इधर लिंग को मानी की चिंता हो रही थी, वहीं पे असिस्टेंट आ रहा था तो उसे बता देती है कि मानी को वाइस प्रेसिडेंट ले गया और शायद वो किसी मुसीबत में हो, प्लीज उसे बचा लो। असिस्टेंट कहता है, हाँ मैं प्रेसिडेंट को बताने जा रहा हूँ, पर उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो एकदम से छोड़ देती है। मीटिंग खत्म हो गई थी तो सब लोग चले जाते हैं, बट मानी नशे में थी और जब वो जाने लगती है तो वाइस प्रेसिडेंट उसे पकड़ लेता है, कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो कहती है, दूर हटो मुझसे, अगर मेरे हस्बैंड ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो हस्बैंड कहाँ से आ गया? पर वो दूर हट नहीं रहा था तो कहती है, मेरा सच में हस्बैंड है और प्रेसिडेंट मिस्टर मुयन मेरे हस्बैंड है, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पर वाइस प्रेसिडेंट को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मिस्टर मुयन की तो कोई फियांसी भी नहीं है, तो वाइफ कहाँ से आ गई? और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। वो कहती है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, तो वो उसके थप्पड़ लगा देता है। बट वहाँ पर मिस्टर मुयन और असिस्टेंट आ गए थे, वो आते उसे गुस्सा मार के गिरा देता है और बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर मुयन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानी को छूने की? वाइस प्रेसिडेंट सोचता है, क्या ये सच में इसकी वाइफ है? अरे नहीं, यानी उस जियांग ने मेरा पोपट बना दिया, मुझे यूज किया है। और कहता है, मुझे नहीं पता था मानी तुम्हारी वाइफ है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये सब मुझे उस जियांग ने करने को कहा था, उसने मेरे से जबरदस्ती की थी कि मुझे इस मानी को यहाँ से बाहर निकालना है। मिस्टर मोयन मानी को लेके जा रहा था और सोचता है, मानी और जियांग के बीच में क्या रिश्ता है? और असिस्टेंट से कहता है, कुछ भी हो जाए, उस वाइस प्रेसिडेंट को जॉब से फायर कर दो, मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। और फिर मिस्टर मुयन मानी को लिटाने लगा था। जावेन कहता है, डैडी मुझे मॉमी के साथ सोना है। मिस्टर मुयन कहता है, बेटा तुम्हारी मॉमी बहुत थक गई हैं, तो तुम जाकर अपने रूम में सो, कल को मॉमी के साथ सो जाना। जावेन कहता है, पर मुझे तो अपनी मॉमी के साथ ही सोना है। तो मिस्टर मुयन कहता है, क्या तुम्हें छोटी बहन चाहिए? अगर तुम आज मॉमी के साथ सोओगे तो तुम्हें छोटी बहन नहीं मिलेगी, बताओ तब भी सोओगे मॉमी के साथ? वो कहता है, नहीं, मॉमी को आज मैं तुम्हारे पास ही छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे पक्का छोटी बहन मिलेगी ना? वो कहता है, हाँ, मैं कौन सा तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। वो कहता है, तो डैडी प्रॉमिस करो। मिस्टर मोयन को प्रॉमिस करना पड़ता है तो जावयन बड़ा खुश हो रहा था, वाओ अब तो मेरी छोटी बहन भी आएगी। इधर मैनी को नशा हो रहा था, इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलवा दिया था, और वो मिस्टर मोयन को अपने करीब करने लगती है। वो कहता है, तुमने स्टार्ट किया है और तुम मुझे अपनेपन की फीलिंग दे रही हो, और फिर उसे किस करने लग जाता है। बट फिर मॉर्निंग में जब मानी उठती है तो मिस्टर मुयन को देख हैरान, और उसे समझ आ गया था कि रात में क्या हुआ था, और कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस जावयन की मॉम बनी थी, इसकी वाइफ नहीं, और चुपके से अपने कपड़े पहन के वहां से जाने लगी थी। बट मिस्टर मुयन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो डर जाती है और कहती है, कल रात जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, मुझे नहीं पता था वो वाइस प्रेसिडेंट एक नंबर का साइको होगा, उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वो कहता है, जब तुम्हें पता है कि वो साइको है तब भी तुम उसके साथ क्यों गई? वैसे क्या तुम जियांग को जानती हो? पहले तो वो उसका नाम सुन हैरान थी, पर फिर कहती है, नहीं मैं उसे नहीं जानती। मिस्टर मुयन कहता है, तो तुम नर्वस क्यों हो रही हो? इतने में जावयन भगा भगा आता है, मॉमी मॉमी गुड मॉर्निंग। वो कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा।
साविन कहता है, डैडी ने कहा था कि वो मुझे छोटी बहन देंगे। तो छोटी बहन कब आएगी? वो मिस्टर मोयन की तरफ झांके देखती है तो वो अपना मुंह छुपाने लगा। तो वो कहती है, अभी छोटी बहन को आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मम्मी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती है, तुम जाकर बैठो। तो वो चला जाता है, पर मिस्टर मोयन उसे कहती है, तुम उसे सीरियसली मत लो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी और तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं उल्टा सीधा सोचूंगी। मुझे भी जावयान के लिए खाना बनाना है, और भाग जाती है। जब वो कंपनी में जा रहे थे तो वो कहता है, तुम उस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मत सोचो, मैंने उसे जॉब से फायर करवा दिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पर एक बात बताओ, क्या 5 साल पहले तुम एम्परर होटल में गई थी? वो नर्वस होकर कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और सोचती है, अगर इसे पता चला कि मैंने पैसों के लिए अपनी बॉडी बेचती थी तो ये मुझे कभी भी जावयान से मिलने नहीं देगा। और वहां से चली जाती है। तो मिस्टर मुयन असिस्टेंट को जियांग और मानी के बीच में रिलेशनशिप पता करने को बोल देता है और कहता है, जियांग को बता देना कि अब मेरी उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल, अगर उसने फिर से मानी को टच करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मानी जब ऑफिस आ रही थी तो सब लोग उसे देख के उसके बारे में बातें बना रहे थे, तो उसे अजीब लग रहा था। लिंग उसे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, तो वो कहती है, कुछ नहीं। लिंग कहती है, मैंने सुना उस वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस पकड़ के ले गई, पर सब लोग बोल रहे हैं कि वो तुम्हारी वजह से जेल गया, क्या हुआ था? पर मानी उसे कुछ भी नहीं बताती। इधर चियांग गुस्से में थी कि मिस्टर मुयान ने उस मानी की वजह से उसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। और फिर वो मानी को मिलने बुलाती है कि मुझे नहीं पता था तो इतने सालों बाद फिर से यहाँ टपक पड़ेगी। मानी कहती है, अपना ड्रामा बंद कर, मुझे पता है वाइस प्रेसिडेंट को तूने ये सब करने को कहा था, पर तूने ऐसा किया क्यों? जियांग कहती है, क्योंकि तुझे अभी एक सच का नहीं पता। तुझे पता है जावयान किसका बेटा है? वो मेरा और मिस्टर मुयन का बेटा है, मैं उसकी रियल मॉम हूँ। पर तेरी वजह से मिस्टर मुयन मुझसे ब्रेकअप कर रहा है, इसलिए मैंने तुझ पे अटैक करवाया। मानी तो एकदम हैरान थी और फिर अपने घर का गेट अंदर से लॉक कर लेती है। जावयान कहता है, मम्मी प्लीज गेट खोलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपके हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। पर मानी खुद को गेट खोलने से रोक रही थी। मिस्टर मुयन उसे कॉल करता है बट वो फोन भी नहीं उठाती और रो रही थी। नेक्स्ट डे कंपनी में असिस्टेंट मानी को डॉक्यूमेंट्स देता है किसे चेक करने के बाद बॉस से साइन कराने हैं, बट वो अपनी जगह लिंग को मिस्टर मुयन के ऑफिस में भेज देती है। इनफैक्ट वो जानबूझ के मिस्टर मुयन से दूर रह रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि जावयान उसका और चियांग का बेटा है। बट मिस्टर मुयन आकर उसका गुस्से से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ना फोन का आंसर दिया और तो डॉक्यूमेंट भी लिंग को लेके भेज दिया। तुम्हें पता भी है जावयान की क्या हालत हुई है? वो तुम्हारे टेंशन में रात भर सो भी नहीं पाया। वो कहती है, जावयान को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। किसी के आने की आवाज सुन मिस्टर मुयन उसको हाथ पकड़ के वॉशरूम के अंदर ले जाता है। तो वो कहती है, माना कि तुम मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो, पर मैं ऐसा कब तक करूंगी? मुझे फ्यूचर में प्यार करके शादी भी तो करनी है, तो मैं तुम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मिस्टर मुयन कहता है, तुम्हारा मतलब तुम प्यार में पड़ना चाहती हो? वो कहती है, नहीं नहीं तो। बट वो उसके क्लोज होने लगा था तो उसे दूर कर देती है। मिस्टर मुयन कहता है, तुम यही चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और उसे किस करने लगा था। वो उसे धक्का मार कहती है, हम कभी एक नहीं हो सकते, और वॉशरूम से भाग जाती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर मुयन को बताता है कि ये सच है कि जियांग और मानी एक दूसरे को नहीं जानते, पर कुछ दिन पहले वो दोनों आपस में मिले थे। वो कहता है, तभी मैं सोचूं मानी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि 5 साल पहले मानी की मॉम की डेथ हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि उसी टाइम तुम और जियांग मिले थे। मिस्टर मुयन उसे और इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। फिर वो मानी को मैसेज करता है कि तुम्हें जावयान को स्कूल से लेके आना है, तो वो भी उसे रिप्लाई कर देती है। वो स्माइल कर रहा था तो असिस्टेंट कहता है, जब से मिस मानी आई है आप बहुत स्माइल करने लगे हो। इधर मानी सोचती है, सिर्फ जावयान को स्कूल से तो लेके आना है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और उसे लेने स्कूल जाती है। पर वहां पे जियांग भी आई हुई थी जावयान को लेने। जियांग कहती है, अच्छा तो तुम जावयान की न्यू मॉम बनी हो, पर उसकी असली मॉम तो मैं ही हूँ ना। स्कूल टीचर मानी को मिस्टर मुयन की मिस्ट्रेस समझ रही थी। जावयान भाग के आता है और मानी से कहता है, मॉमी मैंने आपको बहुत मिस किया। जियांग कहती है, तुम दूसरी लड़की को अपनी मॉम कैसे बोल सकते हो? मानी कहती है, जावयान तुम्हें अपनी रियल मॉम को मॉम बोलना चाहिए, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आई है तो उसके साथ चले जाओ। जावयान कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, क्या तुम मुझे फिर से लाइक नहीं करती हो? क्या तुम अब मेरी मॉम नहीं बनोगी? मानी कहती है, ऐसा नहीं है। वो कहता है, ऐसा ही है, तुम मुझे इस बुरी लड़की के पास भेज रही हो, तुम भी बुरी लड़की हो, और उसे मार के भाग जाता है।
मानिका ढूंढने लगी थी बट वो वहाँ पे छुप गया था, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पा रही थी। तो वो जल्दी से मिस्टर मोयन को फोन करती है। वो आता है तो कहती है, सॉरी मैं जावयन का सही से ध्यान नहीं रख पाई, मैं तो बस उसे उसकी मॉम के पास भेज रही थी। तो मिस्टर मोयन उसे बताता है कि भले ही जावयन जियांग का बेटा है बट वो उसे अपना बेटा नहीं मानती, वो तो बस उसका यूज कर रही है ताकि मुझसे शादी कर सके। और तो और वो तो जावयन को हमेशा परेशान करती रहती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें रखा। वो कहती है, सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता था। पर उसे जावयन की चिंता हो रही थी तो वो कहता है, चलो पहले घर चलते हैं, क्या पता वो घर चला गया हो। और दोनों घर आते हैं। जियांग कहती है, बाहर बारिश हो रही है और तुम मेरे बच्चे को अकेली छोड़ आई। और माने के थप्पड़ मार देती है कि अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ ना तेरी खैर नहीं। वो उसे दोबारा थप्पड़ मारने लगी थी बट मिस्टर मुयन उसका हाथ पकड़ लेता है कि सबसे बड़ी पागल तो तुम हो। जियांग चिल्ला रही थी पर माने कहती है, तुम वेट करो मैं जावयन को ढूंढ के आती हूँ। वो उसे बहुत ढूंढती है पर वो नहीं मिलता, तो अपने घर आ जाती है और सोचती है मेरी गलती है, जावयन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। बट अंदर आके देखती है जावयन बैठा है और कहता है, मॉमी दोनों एक दूसरे को हक्कड़ लेते हैं। वो पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मॉमी कितना डर गई थी। वो कहता है, मॉमी कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है। जैसे आप भी कभी कभी हमारी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो जल्दी से जल्दी अभी कभी लाइक ठोको। इस बार का लाइक टारगेट है 30K, तो जैसे ही आप 30,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दोगे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, अगर मैं फ्यूचर में आपकी सारी बात मानूंगा तो प्लीज आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो कहता है, पर आपने अगर मुझे उस बुरी लड़की को दे दिया तो तुम भी बुरी मॉमी बन जाओगी। वो उसे आकर कहती है, सॉरी मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। वो कहता है, ओके वैसे भी मुझे वो बुरी लड़की पसंद नहीं है, वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। मानी कहती है, ओके ओके पर आगे से तुम ऐसे कहीं भी मत भागना, पता है मम्मी डैडी को तुम्हारी बहुत चिंता होगी। वो सॉरी बोलता है तो कहती है, कोई बात नहीं मम्मी ने तुम्हें माफ किया, तुम कितने भीग गए हो, मैं अभी टॉवल लेके आती हूँ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसके लिए टॉवल लेके जाने लगी थी और उसे नहलाने जाने लगी थी बट वो बेहोश हो जाता है। कहती है, जावयन तुम्हें क्या हुआ? अरे नहीं इसे तो फीवर हो गया, मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, इतने में वहां मिस्टर मुयन भी आ जाता है। तो उसे बताती है कि ये बारिश में भीग गया था और मेरे घर पे छुपा हुआ था। मिस्टर मुयन कहता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहती है, सॉरी मेरी गलती है, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। वो कहता है, ओके आगे करना भी मत, क्योंकि जब मैं बिजनेस ट्रिप पे जाता था जियांग इसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी, उसने उसे बारिश में खड़े होने की पनिशमेंट दी थी तब ये बीमार पड़ गया था बहुत ज्यादा, तब से जावयन उससे बहुत नफरत करता है। वो कहती है, ओके मैं जावयन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और उसकी केयर करने लगी थी। मिस्टर मुयन सोचता है, ये बिल्कुल जावयन की मॉम जैसी लगती है। फिर वो नेक्स्ट उससे माफी मांगता है कि कल रात मैं खराब मूड में था इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ बोल दिया। वो कहती है, कोई बात नहीं मुझे पता है तुम्हें जावयन की चिंता हो रही थी। तभी उसे एक डॉक्टर मिलता है और बताता है कि अरे तुम कितने दिनों बाद मिली हो, सॉरी मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाया था। डॉक्टर आगे कुछ बोलता बट वो बात टाल देती है। मिस्टर मुयन कहता है, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? तो कहती है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो जावयन को मिलने चली गई थी बट मिस्टर मुयन डॉक्टर से बात करने आता है और मैनी के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बताता है कि मैनी शुरू से बहुत अच्छी लड़की है बट जब वो कॉलेज में थी उसकी मॉम बीमार हो गई, तभी उसे अलग अलग जॉब करनी पड़ी और उसने पढ़ाई छोड़ दी, पर वो फिर भी अपनी मॉम को नहीं बचा पाई। अब तुम उसके हस्बैंड हो तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। इधर मानी जावयन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और दोनों स्माइल कर रहे थे बट मिस्टर मुयन उन्हें देख रहा था और सोचता है, जब इसके पास अपनी मॉम का इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं थे तो ये फॉरेन में पढ़ने के लिए चली गई। मानी कहती है, जावयन तुम रेस्ट करो मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। फिर जब वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है तभी वहां पे जियांगा जाती है और कहती है, तुम अपने मॉम के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं कितने टाइम से तुम्हें मिली नहीं हूँ तो तुमने मुझे मिस नहीं किया? जावयन कहता है, तुम बुरी लड़की हो मेरी मॉम नहीं हो। वो कहती है, वो बुरी लड़की तुम्हारी मॉम नहीं है, मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, वो एक मिस्ट्रेस है, अगर तुमने उसे दोबारा मॉमी बोला तो मैं उसे बाहर फिकवा दूंगी। जावयन कहता है, पर मेरे डैडी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो जियांग उसे मारने लगी थी तभी जावा कर उसे बचाती है और कहती है, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जावयन तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, हाँ मॉमी मैं ठीक हूँ। जियांग कहती है, जावयन मेरा बेटा है तो मैं उसके साथ जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या? और जावयन को मारने लग गई थी पर मानी उसे बचाने लग जाती है कि भले ही तो उसकी मॉम है पर उसकी मॉम बनने के लायक नहीं है। उन दोनों में फाइट होने लग जाती है
बट मिस्टर जमुयर को आते देख वो जानबूझ के जियांग गिरने का नाटक करती है और कहती है, देखो ये लड़की मुझे मार रही है। साविन कहता है, डैडी ये झूठ बोल रही है, इसने मेरी मम्मी को बुली किया है। जियांग उसका हाथ पकड़ने लग जाती है बट वो हाथ छुड़ा लेता है। मिस्टर मुयन कहता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मेरी परमिशन के बिना जाहोयान के सामने आना भी मत। वो कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं इसकी रियल मॉम हूँ। वो कहता है, अगर मैंने ये शब्द दोबारा सुन लिए तो तुम्हारी खैर नहीं, और उसे गेट आउट कर देता है। मानी पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहता है, नहीं मॉमी मैं ठीक हूँ। वो कहती है, काश तुम सच में मेरे बेटे होते, ये जियांग नाम की इतना अच्छा बेटा डिजर्व नहीं करती। सावियन कहता है, अब से तुम ही मेरी मम्मी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा ही बेटा हूँ। मिस्टर मुयन मानी के बारे में सब कुछ पता करने को बोल देता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे तो उन्हें देख रहा था। सावियन कहता है, डैडी मैंने उस बुरी लड़की को भगा दिया, वो मम्मी को बुली कर रही थी ना, बताओ मैंने अच्छा किया। वो कहती है, हाँ तुम तो बहुत पावरफुल हो, इस बार भी तुमने अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट किया। मिस्टर मुयन कहता है, टेंशन मत लो, अब वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। इधर चियांग गुस्से में थी और गुंडों को कॉल कर देती है। मानी जाओ को स्कूल से लेके आ रही थी। मिस्टर मुयन का उसे फोन आता है और पूछता है, मैं तुम्हें लेने आऊं? वो कहती है, नहीं जरूरत नहीं है, तुम काम में बिजी हो, मैं और जावियन ने ऑलरेडी टैक्सी बुक कर दी है, हम आ रहे हैं। और जावियन से कहती है, तुम्हारे डैडी बहुत बिजी है ना, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जल्दी घर पहुंच आएंगे। वो कहता है, हाँ कोई बात नहीं, जब तक मम्मी मेरे साथ है मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी गुंडे देखते हैं उन्हें जियांग ने मानी का फोटो भेजा है, तो कहते हैं, पर इसके साथ तो बच्चा भी है, और फिर आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। वो कहती है, तुम लोग कौन है वो, और दूर हटो हमसे। जावियन कहता है, हाँ मेरी मम्मी से दूर रहो, अगर उन्हें टच भी किया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और उन्हें गुस्से मारने लगा था तो एक गुंडा जावियन को उठा लेता है और दूसरा वाला मैनी को पकड़ लेता है। वो दोनों उन दोनों को पकड़ के लेके जा रहे थे। लिंग देख लेती है, इससे जल्दी से उनकी वीडियो बना लेती है। फिर लिंग देखती है वहां पे मानी का फोन पड़ा है तो वो पुलिस को कॉल कर देती है। मिस्टर मुयन आकर मेट से पूछता है तो मेट कहती है, वो दोनों अभी तक घर नहीं आए, तो वो कंफ्यूज था कि उन दोनों को तो अब तक आ जाना चाहिए था। और वो मानी को कॉल करता है। लिंग कहती है, उसका हस्बैंड, और उसे बताती है कि मैं उसकी कलीग बोल रही हूँ, लिंग कोई मानी और उसके बच्चे को किडनैप करके ले गया। वो पूछता है, क्या तुमने उन लोगों का फेस देखा? तो कहती है, नहीं उन्होंने सनग्लासेस पहन रखे थे, पर हाँ मेरे पास उनका वीडियो है, उनकी कार की नंबर प्लेट। वो कहता है, तो जल्दी सेंड करो। लिंग सोचती है, पर इस लड़के की आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मिस्टर मुयन उस कार के प्लेट नंबर को ढूंढने को बोल देता है। इधर इन गुंडों ने उन दोनों को पकड़ रखा था। पूछती है, तुमने हमें किडनैप क्यों किया? गुंडे कहते हैं, ऑफ कोर्स हम पैसों के लिए सब करते हैं, इस लड़की को बांध दे। जावेन कहता है, मेरी मम्मी के साथ कुछ भी मत करना। वो कहते हैं, तुझ लड़के में बड़ा घमंड है, अब तो हम तेरी मम्मी को सिर्फ टच ही नहीं बहुत कुछ करेंगे। आनी ने कहती है, अगर तुमने मेरे और मेरे बच्चे के साथ कुछ किया ना तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। 5 साल पहले मानी ने फॉरेन जाने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, पर किसी को भी उस बच्चे के पिता के बारे में नहीं पता। मिस्टर मुयन पूछता है, ये कैसे हो सकता है, उस बच्चे का जन्म डेट क्या है? तो वो बताता है कि जिस दिन जियांग ने जावियन को जन्म दिया था उसी दिन मानी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, यहाँ तक कि उन दोनों के हॉस्पिटल भी सेम थे। मिस्टर मुयन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इतने में बॉडीगार्ड आकर बताता है कि हमने मिस मानी और यंग मास्टर की लोकेशन ढूंढ ली, तो वो उन्हें बचाने जाने लगता है। इधर गुंडे जियांग से बात कर रहे थे कि हम इस बच्चे का क्या करें, उस लड़की को तो हमने बांध दिया, क्या उसे भी टपका डाले? वो कहती है, तुमने उस बच्चे को किडनैप क्यों किया? अभी वो बच्चा मेरे बहुत काम का है, तो सिर्फ उस लड़की के साथ जो करना है करो, पर उस बच्चे को जाने दो। गुंडे खुश हो रहे थे क्योंकि वो मानी के साथ कुछ गड़बड़ करने वाले थे। मानी को कांच का टुकड़ा मिल जाता है तो वो सबसे पहले उससे जावेन की रस्सी काट देती है और कहती है, मैं इन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी, इतने में तुम यहाँ से भाग जाना। वो कहता है, मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कहती है, नहीं तुम ऐसा ही करोगे, तुम बाहर जाकर अपने डैडी को ढूंढना तो वो मुझे बचा लेगा, अगर तुम यहाँ से भागोगे नहीं तो मम्मी को कौन बचाएगा? वो कहता है, ओके मैं डैडी को ढूंढूंगा जाके। तो वो उसे किस कर देती है कि मम्मी तुम्हें बहुत लव करती है। वो कहता है, ओके मम्मी मेरा वेट करना, मैं जरूर आऊंगा। तो मानी अपने पैर की रस्सी खोल के दूसरी तरफ भागने लगी थी, गुंडे उसके पीछे भागते हैं, तभी जावियन वहां से भाग जाता है और कहता है, मम्मी मैं आपको बचाने जरूर आऊंगा। गुंडे मानी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वो बच्चा कहाँ चला गया, तूने उसे भगाया है ना, अब तुझे हम सबक सिखाएंगे। और उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती है, छोड़ो मुझे, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। पर वो अपना हाथ छुड़ाने लगी थी तो गुंडा उसके मार देता है। इतने में वहां पे मिस्टर मुयन आ जाता है और कहता है, किसने मेरी वाइफ को टच किया? और आते गुंडे को धो डालता है तो उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना?
गुंडे उससे माफी मांगने लगे थे कि हमसे ये पैसों के लिए करवाया गया है, वरना हम तुम्हारी वाइफ को क्यों पकड़ते। मिस्टर मुयन पूछता है, कौन है वो जिसने तुम्हें ऐसा करने को कहा। गुंडे कहते हैं, हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, उसकी लड़की जैसी आवाज थी। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम उस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। मिस्टर मुयन कहता है, हेल्प तो तुम लोग तब भी करोगे, पर तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलेगी। और फिर मानी को गोद में उठाकर ले जाता है और बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को धोने लगे थे। मानी बेहोश थी तो जाओयान उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी आपको क्या हुआ? वो कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी थक गई है, उसे बस रेस्ट की जरूरत है। मम्मी को मत उठाओ, पहले हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर बताता है कि इन्हें थोड़ी बहुत चोट लगी है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। इधर असिस्टेंट मिस्टर मुयन को आकर बताता है कि जिस लड़की ने इन दोनों को किडनैप करवाया था वो कोई और नहीं जियांग है। तो मिस्टर मुयन कहता है, उस जियांग को अभी के अभी पकड़ के लाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर मानी से कहता है, काश वो लड़की तुम होती, काश तुम दाओयान की मॉम होती। पर उसे शक हो रहा था इसलिए वो उसका एक बाल उठाकर ले जाता है और असिस्टेंट से कहता है, जाओयान और मानी का डीएनए टेस्ट करवाओ। मानी जैसी होश में आती है और पूछती है, जाओयान कहाँ पे है, क्या वो ठीक है? वो कहता है, हाँ जाओयान बिल्कुल ठीक है, वो बस भागता हुआ गिर गया था, थोड़ी चोट लग गई। पर तुम जाओयान के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करती हो? उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ तक कुर्बान करने को तैयार थी। तो मानी को याद आता है कि 5 साल पहले उसने भी अपना एक बच्चा खो दिया था और कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी जाओयान भगा भगा आता है, मम्मी। मिस्टर मुयन कहता है, अपनी मम्मी को डिस्टर्ब मत करो, वो रेस्ट कर रही हैं। वो खुद खाने को कहती है पर वो अपने हाथों से खिलाने लगता है। इतने में लिंग और असिस्टेंट आ जाते हैं पर उन दोनों को देख हैरान। पर उसे देख मैंने मिस्टर मुयन से दूर होने लगी थी। वो कहता है, तुम लोग बात करो, और उठ के बाहर चला जाता है। लिंग कहती है, तुम ठीक तो हो ना, और ये बच्चा भी? मानी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मिस्टर मुयन तो इसलिए आए थे क्योंकि मैं उनकी स्टाफ हूँ ना। जाओयान कहता है, हाँ ये मेरी मॉमी है और जो अभी अभी गए हैं वो मेरे डैड हैं। लिंग कहती है, अब ड्रामा बंद करो, मुझे पता चल गया ये तुम्हारा बेटा है। मैं सोचूं वो आवाज जानी पहचानी को लग रही है, मिस्टर मुयन तुम्हारा हस्बैंड है? वैसे थैंक यू, तुमने मेरी मॉम का हॉस्पिटल बिल पे किया। मानी कहती है, क्या किसने पे किया बिल? लिंग कहती है, अगर तुमने पे नहीं किया तो किसने किया, उनकी तो सर्जरी भी कम्प्लीट हो गयी। मानी कहती है, हाँ मैंने नहीं किया, पर तुम्हारे किसी चाहने वाले ने किया हो। इनफैक्ट वो असिस्टेंट की तरफ देख के हंस रही थी और असिस्टेंट भी हंस रहा था। फिर असिस्टेंट मिस्टर मुयन को बताता है कि उन दोनों का डीएनए तो एकदम 100% मैच कर गया, यानी वो दोनों माँ बेटे हैं। मिस्टर मुयन कहता है, मुझे तो पहले ही शक था, उस जियांग ने ये सब कांड किया है। यानी 5 साल पहले वो जियांग तो कभी थी ही नहीं, वो मानी थी जो मेरे साथ थी। इधर लिंग मानी को बताती है कि जब तुम किडनैप हो गई थी तो मिस्टर मुयन को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जाओयान कहता है, हाँ मम्मी जब आप बेहोश थी तब भी डैड को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, मैंने कभी उतने इतना परेशान नहीं देखा। तभी जियांग अगर कहती है, तू मेरे फियांसे को पटाना चाहती है, और मारने लगी थी तो लिंग उसका हाथ पकड़ लेती है कि अगर मेरी फ्रेंड को हाथ लगाया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पर जियांग जाओयान को उसे छीनने लगी थी कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे छीन के रहूंगी। जाओयान कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। पर वो जबरदस्ती जाओयान को छीनने लगती है। मानी कहती है, तुम पागल हो गई हो, उस बच्चे की चोट लगी है तब भी तुम उसे दुखाए जा रही हो, उसका हाथ छोड़ो। मानी उसे छीनने लग जाती है पर वो उसके मार देती है। तभी मिस्टर मुयन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को छूने की? तुमने इन दोनों को किडनैप कराया था ना, सच से बताओ क्या जाओयान तुम्हारा बेटा है? पर वो जियांग अब भी झूठ बोले जा रही थी तो कहता है, तो फिर ये क्या है, इनफैक्ट वो डीएनए टेस्ट था। जाओयान कहता है, मम्मी मेरा हाथ दुख रहा है बहुत तेज। वो कहती है, बेटा मैं अभी फूंक मारती हूँ ना, ठीक हो जाएगा। जियांग कहती है, ये कुछ भी नहीं है, ये फेक है, जाओयान मेरा ही बेटा है। मिस्टर मुयन कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने मानी और जाओयान का डीएनए टेस्ट कराया है, मानी जाओयान की रियल मॉम है। मानी तो खुद हैरान थी और फिर उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर ने बोला था कि उसका बच्चा मर गया बट वो रियल में जिंदा था और जियांग ने उसे छीन लिया है और वो बच्चा है ये जाओयान है। तभी मिस्टर मुयन बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और वो जियांग को पकड़ के ले जाते हैं। मानी तो रोने लगी थी और कहती है, जाओयान तुम सच में मेरे बच्चे हो? वो कहता है, मम्मी। तो वो उसे हक कर लेती है तो वो भी मिस्टर मुयन को सब कुछ सच बता देती है। तभी डॉक्टर आ जाता है और कहता है, सॉरी मैं तुम्हें 5 साल पहले ये नहीं दे पाया था, तुम्हारी मॉम ने जाने से पहले ये तुम्हारे लिए रखा है, इनफैक्ट उसने मॉम ने उसके लिए जेड पेंडेंट रखा था। डॉक्टर ने बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम ठीक होने लगी थी पर अचानक से एक रात पहले से उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई, इसलिए हम उन्हें नहीं बचा पाए। पर किसी ने उनके रूम में से
एक लेडी को जाते देखा था। मानी कहती है, यानी मेरी मॉम का मर्डर हुआ था। मिस्टर मोयन पूछता है, क्या तुम्हें याद है उस लेडी की शक्ल कैसी थी? तो बताते हैं कि नहीं, उसने एक मास्क पहन रखा था और टोपी लगा रखी थी, पर उनके फेस पे एक मोल था। तो मिस्टर मोयन थोड़ा कंफ्यूज था। मानी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मॉम का तो कोई दुश्मन भी नहीं था, उन्हें कौन जान से मारेगा। वो कहता है, टेंशन मत लो, मैं मर्डरर को ढूंढ लूंगा। इधर चियांग गुस्से में थी और अपनी मॉम को बताती है कि मिस्टर मुयन ने मुझसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, वो भी उस मानी की वजह से। मानी का नाम सुन मॉम भी थोड़ी हैरान थी। वो पूछती है, क्या हुआ मॉम, क्या आप उसे जानती हो? तो मॉम कहती है, नहीं तो तू टेंशन मत ले, मैं उस मानी को टिकाने लगा दूंगी। और सोचती है, पहले तूने मेरा पति मुझसे छीना और अब तेरी बेटी मेरी बेटी का पति छीन रही है। जैसे तेरी माँ को ऊपर पहुँचाया था, वैसे तुझे भी ऊपर पहुँचा दूंगी। ऑफिस में लिंग मानी को छेड़ने लगी थी कि अरे वाह, मैं तो प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ काम करती हूँ। तो मानी उसे छेड़ने लगती है कि तेरा और असिस्टेंट का कहाँ तक बात बनी। तो लिंग बताती है कि असिस्टेंट मुझे अपने घर लेके गया था और हमने कैंडल नाइट डिनर किया, तब मैं थोड़ी टल्ली हो गई थी। वो कुछ आगे बताती, बट फिर एक लेडी आकर मानी को मारने लग जाती है कि तूने मेरे हस्बैंड को, तूने वाइस प्रेसिडेंट को सीड्यूस किया। मानी उसका हाथ पकड़ लेती है कि तेरा वाइस प्रेसिडेंट है ही ऐसा, वो है जेल में जाने के लायक। उन दोनों में लड़ाई होने लगी थी तो लिंग उनको बचाने लगती है। तभी असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और बॉडीगार्ड्स उस लेडी को पकड़ लेते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं। असिस्टेंट ने लिंग को बचाया था तो मानी उसे छेड़ने लग जाती है। असिस्टेंट जाकर सब कुछ मिस्टर मोयन को बता देता है तो वो कहता है, जाकर उस लेडी को पीछा करो, जरूर उसे किसी ने भेजा होगा। असिस्टेंट पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि उसे चियांग की मॉम ने भेजा है और वो जाकर मिस्टर मोयन को दिखा देता है और वो जाकर मिस्टर मोयन को बता देता है। फिर वो दोनों घर आ रहे थे तो सावयन भाग के उनके पास आता है तो दोनों इसे हक करने वाले थे पर फिर रुक जाते हैं। मिस्टर मोयन कहता है, तुम चाहते हो ना तुम्हारी मॉमी हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो अब वही तुम्हें स्कूल छोड़ने चाहेंगी, मैं अभी काम में बिजी हूँ। तो सावयन ओके कर देता है। मानी को स्कूल से फोन आता है कि सावयन की लड़ाई हो गई किसी बच्चे से और वो जख्मी हो गया, तो वो भाग के स्कूल आती है। मानी सावयन से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, सॉरी मॉमी, मैंने आपको प्रॉब्लम में डाला। टीचर कहती है, तुम इसकी मॉमी हो, तुम्हें पता भी है कितनी शरारतें करता है? वो कहती है, नहीं तो सावयन तो बहुत समझदार है, वो किसी को बिना मतलब के नहीं मारेगा। टीचर कहती है, हाँ हाँ तुम तो ऐसी कहोगी, तुम मिस्ट्रेस हो ना? मिस चियांग सही बोल रही थी। मानी कहती है, बकवास बंद करो, किसी और के कहने पे मेरा करेक्टर डिफाइन मत करो। और जायोन बताओ क्या हुआ था? तो वो कहता है, मॉमी बच्चे आपको मिस्ट्रेस बोल रहे थे। वो कहती है, देखो टीचर, बच्चे मेरे बेटे को बुली कर रहे थे। जायोन कहता है, और मॉमी मैंने किसी से भी फाइट नहीं की। तभी एक बच्चा अपनी मॉम को लेके आता है। उसकी मॉम कहती है, अच्छा तू मिस्ट्रेस है, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। मानी कहती है, माफी जावयन को नहीं तुम्हारे बेटे को बोलनी चाहिए। बट वो लेडी कहती है, तुझे पता भी है मेरा हस्बैंड स्कूल का इन्वेस्टर है, मैं चाहूँ तो तुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ, और तो तेरे बेटे को कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। टीचर भी कहती है, इनसे माफी मांगो। मानी कहती है, ये कैसा स्कूल है, यहाँ पे लोगों को बुली करते हैं, उनमें भेदभाव करते हैं, तो मैं भी यहाँ अपने बेटे को नहीं पढ़ाऊंगी। और उसे लिचाने लगी थी बट वो लेडी उसे घेर लेती है, पहले तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। इतने में मिस्टर मोयन आ जाता है और कहता है, मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। वो लेडी कहती है, मिस्टर मोयन तुम, हमारी कंपनी का तुम्हारी कंपनी के साथ कॉपरेशन है। वो कहता है, कौन सा कॉपरेशन, यहाँ मैं अपनी वाइफ और बेटे को बचाने आया हूँ। और टीचर तुमने भी उनकी इंसल्ट की, तुम मेरे बच्चे को कैसे सिखाओगी जब तुम्हें कुछ नहीं आता? और उन सबको पनिशमेंट देता है। तो सावयन से कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा स्कूल ढूंढ दूंगा। सावयन कहता है, ओके डैडी। मानी कहती है, तुमने अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट किया है ना, तो मैं तुम्हें अच्छे से खाना बना के दूंगी। तो वो बड़ा खुश होता है। फिर मिस्टर मोयन अभी भी मानी के बारे में सोच रहा था और असिस्टेंट से पूछता है, अगर मैं मानी को प्रपोज करूंगा क्या वो हाँ कर देगी? पहले मुझे उसके लिए वेडिंग ड्रेस मंगवानी होगी, ऐसा करना सबसे टॉप डिजाइनर की ड्रेस सिलेक्ट करना, मैं डायरेक्ट शादी करूंगा। असिस्टेंट कहता है, शादी बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी, अभी तो मैडम ने हाँ भी नहीं की है। वो कहता है, ओके तो मैं उसे फ्लावर से कन्फेस करूंगा, गर्ल्स को तो फ्लावर पसंद होते हैं ना। इधर मानी जा रही थी तभी उसे मिस्टर मोयन का फोन आता है। वो कहती है, वेट करो मैं अभी आ रही हूँ। मिस्टर मोयन फ्लावर्स लेके उसके पास जा रहा था। मानी जैसे रोड क्रॉस करने लगती है, एक गाड़ी वाला उसे ठोक देता है। मानी गिर गई थी बट वो ड्राइवर भाग गया था। मिस्टर मोयन उसे देख लेता है तो उठाकर हॉस्पिटल भागता है। इतने में लिंग और असिस्टेंट भी भागे भागे आते हैं। लिंग को सैड देख के असिस्टेंट को उसकी फिक्र हो रही थी। मिस्टर मोयन कहता है, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, वो ड्राइवर भागा था, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
असिस्टेंट तुम पता लगाओ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर बताता है कि अच्छा हुआ तुम इन्हें टाइम पर ले आए, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ। हमने इनको ऑपरेशन कर दिया है, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। मोयन को शक हो रहा था कि जरूर ये जियांग और उसके मॉम ने किया होगा, इसलिए वह उनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर देता है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रही थी, तभी डैड उन्हें सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। बताओ तुम लोगों ने क्या किया है। जियांग कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और असिस्टेंट से फोन कर पूछती है कि क्या हुआ, तो असिस्टेंट कहता है अपनी मॉम से पूछो। मॉम कहती है वो मेरी बेटी का हस्बैंड छीनना चाहती थी ना, इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। डैड कहते हैं अब तुम लोग चलो और उनसे माफी मांगना, तभी हमारी कंपनी बच सकती है। उसके मॉम मना कर देती है, तो डैड सिर्फ जियांग को ही ले जाते हैं। मॉम कहती है कहीं ये उस मानी को पहचान तो नहीं लेगा। नहीं नहीं, इतने साल हो गए, अब तो उसे भूल गया होगा। मिस्टर मोयन मानी का ध्यान रख रहा था, तभी वो दोनों आ जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगे थे कि मेरी वाइफ से गलती हो गई, प्लीज हमारी कंपनी को बख्श दो। मिस्टर मोयन कहता है क्या तुम्हें ये जेड पेंडेंट याद है, ये मानी की मॉम का है जिनकी 5 साल पहले डेथ हो गई। इनफैक्ट फिर पता चलता है कि मानी की मॉम डैड की एक्स वाइफ थी, पर उसने पैसों के लिए बाद में जियांग की मॉम से शादी कर ली थी, यानी वो मानी के भी डैड हैं। और कहते हैं मानी मेरी बेटी है और तुम उसे लाइक करते हो, यानी हम दोनों भी फिर रिलेटिव्स हुए। जियांग तो एकदम हैरान थी कि मानी मेरी बहन कैसे हो सकती है, और गुस्से से भाग जाती है। डैड कहते हैं अब तो मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे ना, और कंपनी को भी कुछ नहीं कहोगे। तभी मानी उठ जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को अब मेरा डैड बोलते हुए, तुम मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे, तब तुम कहाँ थे जब मेरी मॉम मर रही थी, तुम्हारी बेटी जियांग मेरे साथ इतना कुछ कर रहे थे तब तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें अपना डैड नहीं मानती, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो मिस्टर मोयन भी उन्हें बाहर निकाल देता है। मानी मिस्टर मोयन से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, वो कहता है ये एक सीक्रेट है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी जावियन और असिस्टेंट आते हैं, असिस्टेंट फ्लावर बुके लेके आया था, तो मिस्टर मोयन उसे फ्लावर बुके देके कहता है मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, सच कहूँ तो मुझे पहली नजर में तुमसे लव हो गया था, और रिंग दिखाकर प्रपोज करता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जावियन कहता है प्लीज मम्मी मान जाओ ना, वो हाँ कर देती है, तो मिस्टर मोयन उसे रिंग पहना देता है और फिर उसे किस कर देता है। जावियन कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो दोनों हंस पड़ते हैं। फिर असिस्टेंट मिस्टर मोयन को बताता है कि हमें पता चल गया 5 साल पहले मानी की मॉम को जियांग की मॉम ने मारा था, उसने उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था, तो वो उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इधर पुलिस जियांग की मॉम को पकड़ने आई थी, जियांग रोकने लगती है, तो पुलिस बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मर्डर किया है और डैड भी उसे नहीं बचाते क्योंकि वो खुद गुस्सा थे, तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। जियांग बहुत गुस्से में थी क्योंकि मानी की वजह से उसकी सारी फैमिली अलग अलग हो गई थी। फिर जियांग घर आती है और मेट से पूछती है जावियन कहाँ है, मेट कहती है वो तो अभी सो रहा है, पर तुम यंग मास्टर को परेशान तो नहीं करोगी, वो कहती है नहीं चुपचाप उसे मुझे ला कर दो। मेट जावियन को लेके आती है तो उसे क्रेडिट कार्ड दे देती है कि इसमें 3 मिलियन है ले लेना, और किसी को इस बारे में बताना मत और ये देश छोड़ के भाग जाना। फिर वो उसे जावियन को छीन लेती है और कहती है मानी अब तू नहीं बचेगी क्योंकि तेरी जान मेरे हाथों में है। इधर मिस्टर मोयन मानी को खाना खिलाया था, तभी उसे फोन आता है कि घर की मेड भाग गई है और जावियन भी गायब है, तो वो जाने लगता है। मानी कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वो कहता नहीं तुम यहीं रहो मैं उसे ढूंढ के लेकर आता हूँ, और चला जाता है। तभी मानी को जियांग का मैसेज आता है और कहती है तेरा बच्चा मेरे पास है, जल्दी से हॉस्पिटल की छत पर पहुंच, वो भी अकेले। मानी मिस्टर मोयन को फोन करने लगी थी बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, बट उसका फोन ही लग रहा था, इसलिए वो उसे मैसेज करके चली जाती है कि मैं हॉस्पिटल की छत पर हूँ। वो भागकर आकर देखती है जियांग ने जावियन को पकड़ रखा है और कहती है तूने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे बर्बाद करूंगी। जावियन कहता है मम्मी मुझे बचा लो। जियांग कहती है अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, और मानी तू 5 साल बाद वापस क्यों आई, वरना मिस्टर मोयन मुझसे अब तक शादी कर लेता। मानी कहती है शादी, वो तुझसे कभी शादी नहीं करता, जब उसने 5 साल पहले शादी नहीं की तो अब शादी कैसे कर लेता, इनफैक्ट तूने उसे कभी लव किया ही नहीं, अगर लव किया होता तो मुझे उसके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए नहीं भेजती, और तेरी बस मजबूरी थी, पर मिस्टर मोयन ने तब भी तुझ पे भरोसा किया और तुझे जावियन की मॉम बनने दिया, पर तूने तूने क्या किया, तू तो बस उसकी वाइफ बनना चाहती थी, प्रेसिडेंट की वाइफ। जावियन कहता है मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है। इनफैक्ट वो उसका गला घोट रही थी। मानी कहती है छोड़ दे उसे, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ, पर जियांग जावियन को छोड़ ही नहीं रही थी। तभी वहां पर मिस्टर मोयन आ जाता है
और जावयन को खींचने लगा था तो जियांग गलती से छत पे से गिर जाती है। जावयन मानी के पास चला गया था पर मिस्टर मुयन जियांग को बचाने लग जाता है और कहता है मेरे हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। वो कहती है तुम मुझे को बचा रहे हो, तो कहता है तुम्हारी मॉम ने जो गलती की थी उसे सजा मिल गई और तुमने जो गलती की है तुम्हें कानून सजा देगा। पर जियांग को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उसने उन लोगों की कभी परवाह नहीं की, पर वो फिर भी उसे बचा रहा है और उसका हाथ छुड़ा के नीचे गिर जाती है और वो मर गई थी। मानी हॉस्पिटल में थी तो असिस्टेंट और लिंग आते हैं। लिंग कहती है हम तुझे लेने आए हैं। मानी कहती है अरे देखो तो सही दोनों ने हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, तो दोनों जल्दी से हाथ छुड़ा लेते हैं। लिंग कहती है अब मैं असिस्टेंट को डेट कर रही हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, और उसके कान में कुछ कहती है। इनफैक्ट उसने उसे कहा था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं तो तू मुझे वेडिंग ड्रेस सिलवा के लेके आ। और फिर दोनों वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चाहती हैं। मानी कहती है तेरी ड्रेस तो ठीक है पर मेरी ड्रेस ब्राइडमेड बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, ऐसे तो मैं ही ब्राइड लग रही हूँ दिखने में। लिंग कहती है कोई बात नहीं तू बहुत अच्छी लग रही है। मानी मना कर रही थी बट वो उसे खींच के स्टेज पे ले जाती है। इधर मिस्टर मुयन भी रेडी हो रहा था तो सिस्टर आकर बताता है कि आपकी वाइफ पहुंचने वाली है। मानी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि लिंग कहती है मिस्टर मुयन मैं आपकी वाइफ को ले आई हूँ, और अपना दुपट्टा हटाकर उसके लगा देती है। तभी ग्रूम पलटता है और वो मिस्टर मुयन था, तो लिंग उसे धक्का मार देती है, वो मिस्टर मुयन के हाथों में जाके गिरती है। सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे, वो उसे फ्लावर बुके देता है और कहता है आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ सबके सामने कि तुम ही मेरी लीगल वाइफ हो और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा, क्या तुम्हें भी मंजूर है? तभी जावयन भगा कहता है मॉमी आप भी प्रॉमिस करो ना, तो वो भी प्रॉमिस करती है। मिस्टर मुयन कहता है तुम जाना चाहती थी ना इस जेड पेंडेंट का राज, पता है एक ऐसा मेरे पास भी है, और उसके कान में कहता है वेडिंग नाइट पे बताऊंगा। असिस्टेंट और लिंग ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। फिर वेडिंग नाइट पे वो उसे किस करने वाला था तो कहती है तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। मिस्टर मुयन दोनों पेंडेंट उठाकर कहता है तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी मॉम मुझे मिली थी, जब मैं छोटा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो तुम्हारी मॉम ने मुझे बचाया था, उस टाइम तुम्हारी मॉम तुमसे प्रेग्नेंट थी तो मेरे मॉम डैड ने आधा पेंडेंट तुम्हारी मॉम को दे दिया था और ये कहा था कि अगर उनका बेटा हुआ तो उनका बेटा और मैं फ्रेंड्स बनेंगे, पर अगर उनकी बेटी हुई तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हारी मॉम ने पैसे लेने से मना कर दिया था ना, और अब तुम मेरी वाइफ हो, यानी हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर जावयन फैल गया था और कहता है मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है। असिस्टेंट लिंग को फोन करता है और कहता है मैं इस छोटे शैतान को संभाल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज तुम आ जाओ। तो लिंग वहां जाती है और कहती है मुझे पता है तुम अपने मम्मी डैडी से मिलना चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे मॉम डैड साथ रहे और तुम्हें एक छोटी सी बहन दे? अगर तुम चले गए तो तुम्हें छोटी बहन नहीं मिलेगी। जावयन कहता है ऐसा है क्या, तो पहले बताना था, मैं तो कब से छोटी बहन आने का वेट कर रहा हूँ। असिस्टेंट वाज लाइक तुमने एकदम पटा लिया इसे। इधर मिस्टर मुयन कहता है तो हम अपना काम कंटिन्यू रखें, और फिर उसे किस करने लगा था तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।